योगेंद्र प्रसाद सिंह, आशुलिपि अनुदेशक, सह प्राचार्य आदर्श कमर्शियल इंस्टीट्यूट सिवान, आपको अपने नवे वीडियो हिंदी के आशुलिपि, जो विशिष्ट आशुलिपि प्रणाली के माध्यम से चल रही है, का अध्याय 7, जिसमें तवर्ग व्यंजनों के बाएं दाएं चाप का प्रयोग आपको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम बाएं चाप का प्रयोग आपको बता रहे हैं। ऐसे पुस्तक में आपको पहले दाएं बाएं दाएं दिया हुआ है, उसके बाद बाएं, लेकिन आप पढ़िए पहले बाएं से। तो बाएं चाप का प्रयोग तवर्ग का, यहाँ लिख दे रहे हैं तवर्ग का, बाएं चाप का प्रयोग। तो इसमें चार पॉइंट हम आपको देंगे। पहला, चलिए, यदि तवर्ग, एक मिनट, इसको नीचे कुछ रखने को चाहिए हमको। यदि तवर्ग अकेली हो या इसकी पुनरावृत्ति हो तो तवर्ग का बायां चाप प्रयोग होगा, ठीक ना। तवर्ग का बायां चाप प्रयोग होगा, जैसे जैसे मान लीजिए दी लिखना है, द में लाइन काट करके दाहिने तरफ ई बाएं कर्व से लिखेंगे, और वहीं दूत लिखना होगा तो द और फिर त, ठीक। ये द है और ये तो है, ऊ का मात्रा लग जाएगा, यानी दोनों बाएं कर्व से होगा, यानी तवर्ग अकेली है, यहाँ पुनरावृत्ति हुआ है। दूसरा, यदि तवर्ग के साथ ऊर्ध्वमुखी व्यंजन हो तो तवर्ग का बायां चाप प्रयोग होगा, ठीक ना। तवर्ग का बायां चाप प्रयोग होगा यदि ऊर्ध्वमुखी हो तो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे रात रात, जैसे हाथी ऊर्ध्वमुखी है थी, जैसे लिखना है दवा साथ, साथ का मतलब है पहले चाहे बाद में, जैसे दवा, यहाँ तवर्ग पहले आया है उसके बाद वा आया है। तीसरा, चलिए, चवर्ग चवर्ग टवर्ग चवर्ग टवर्ग तलाबेश मूर्धन्यश या ज, जिसके नीचे बिंदु होता है, व्यंजनों व्यंजनों के पूर्व तवर्ग का बायां चाप प्रयोग होगा। चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तलावेश मूर्धन्य से ज के पहले अगर तवर्ग आता है तो बायां चाप का प्रयोग होगा। जैसे लिखना है आपको ताज, तई त और ज, ताज इसके नीचे बिंदु नहीं है, ताज। जैसे तेजी लिखना है, बिंदु वाला है, तो ते
आइए जी, कर्भ में होगा चूंकि बिंदु वाला है, ते का ए, ये बाएं कर्भ से होगा तबर के साथ। उसी प्रकार से तट, जैसे त और फिर ट, तट तो त लिखेंगे बाएं कर्भ से तब ट। ठीक, चौथा देखिए, समतल, समतल या बाई ओर से लिखी जाने वाली व्यंजनों के बाद त वर्ग का बायां बायां चाप प्रयोग होगा। ठीक ना, जैसे समतल में जैसे लिखना है माता, तो माँ और ता, माँ का आ ता का, गति जैसे लिखना है गति, वहीं लिखना है पिता बाएं से, पिता बाई ओर से लिखी जाने वाली अधोमुखी है तो इसके साथ बाएं कर्भ का पिता। ठीक, इस प्रकार त वर्ग का बाएं चाप का प्रयोग आप चार चरणों में देख लिए। अब दायां चाप, त वर्ग का दायां चाप, अब दाएं चाप का हम प्रयोग देखेंगे। आपने यहाँ पर देखा बाईं ओर से लिखी जाने वाली व्यंजनों के बाद त वर्ग का बायां चाप प्रयोग होगा, तो स्वाभाविक है कि दाईं ओर से लिखी जाने वाली यदि व्यंजन रहेगी तो पहला रूल में वही लिख देते हैं, दाईं ओर से लिखी जाने वाली व्यंजनों, लिखी जाने वाली अधोमुखी लिखी जाने वाली अधोमुखी यहाँ छोड़ दिए हैं, अधोमुखी अधोमुखी व्यंजनों के बाद तबर का माया कर हुआ था, तो दाईं ओर से लिखी जाने वाली अधोमुखी व्यंजन के बाद त वर्ग का दायां चाप प्रयोग होगा। जैसे दाईं ओर से लिखी जाने वाली व्यंजन, जैसे हमको जाति, तो ये जा और ती दाहिने कर्म से होगा। जैसे हमको लिखना है शादी, तो लिखेंगे श और दी। बाकी सब एग्जाम्पल आपको पुस्तक में मिल जाएगा, उसके अनुसार आप अपना काम करेंगे। अब आगे चलिए, दूसरा रूल ये तो हो गया, तबर के बाएं चाप का हम प्रयोग स्टार्ट किए हैं, तो इसमें दूसरा 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 में है, यदि तवर्ग आरंभिक हो और उसके पूर्व, उसके पूर्व स्वर न हो, तवर्ग का दायां चाप प्रयोग होगा।
जैसे तीरा, तो तीरा ती का ही रा का आ, जैसे तारक तो तारक, ठीक। थाना चाहे धनी, मान लीजिए धनी तो लिखना है धनी, ध कट जाएगा, नी का ई हो जाएगा। इसके बाद तीसरा रूल इसमें, जब तवर्ग यदि तवर्ग आरंभिक हो तो दाएं चाप तथा उसके पूर्व स्वर आने पर बायां चाप प्रयोग होगा, ठीक ना। पूर्व में स्वर आने पर बायां चाप का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिखना है थक तो लिखेंगे थौर को, थक हो जाएगा। इसी को लिखना होगा अथक तो इसमें बाएं चाप का प्रयोग कर देंगे, ठीक ना। ऐसा ही धम अधम भी हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ लिखना है ध म धम, तो ध और म, अधम लिखना है तो लिखेंगे बाएं चाप से ध म। यहाँ भवेल देना जरूरी नहीं होगा, केवल कर्म बदल देना है, तो इसी से हमको स्पष्ट हो जाएगा। चौथा है, इसमें भी चार रूल है, तो चौथा है कि कुछ समानार्थी शब्दों में, कुछ समानार्थी शब्दों में अंतर करने के लिए तवर्ग का बायां दायां चाप प्रयोग होता है। एग्जाम्पल पर इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि इतना और यहाँ लिखना है उतना, तो इतना को हम बाएं कर्व से लिखेंगे और उतना को दाहिने कर्व से। ई उ देना हमको जरूरी नहीं होगा। इसी प्रकार से इतने और उतने, तो इतने में हम बाएं कर्व से ने खाली लगाएंगे और उतने में दाहिने कर्व से। इसमें लाइन कटा हुआ है तो स्पष्ट है कि ई चाहे उ भवेल है, तो बाएं कर्व वाला ई होगा और दाहिने कर्व वाला उ होगा। इस प्रकार से आपको त वर्ग का बायां चाप और त वर्ग का यहाँ से दाहिना चाप आपका समाप्त हो गया। इसके बाद अब बुक में देख लीजिए, बुक में हम आपको दे रहे हैं, जैसे यहाँ से त वर्ग का दोनों कर्व समाप्त हो गया है। अब शब्दाक्षर यहाँ दिया हुआ है, जैसे द वाला नोटेशन लाइन के ऊपर छोटा सा, इसका रूप बदल जाएगा, छोटा कर देंगे। ये व्यंजन से नहीं है, ये शब्द चिन्ह में दोनों आता है, द वाला छोटा लाइन के ऊपर यदि और लाइन पर इत्यादि। उसके बाद सब शब्दाक्षर है, ये इसी का उल्टा रूप है, यहाँ पर तथा और तथापि, तथा लाइन के ऊपर दाहिने कर्व से, और ये त वर्ग का है, वो द वाला नोटेशन था और ये त वाला है, त वाला दाहिने कर्व से तथा लाइन पर तथापि। द वाला अब व्यंजन वाला ये स्टार्ट हो गया, यानी शब्दाक्षर है, तो ये द लाइन काट करके दिया, त वर्ग लाइन के ऊपर आता, लाइन पर तक लाइन काट कर होता। दाहिने कर्व से लिखेंगे द वाला उद्योग, लाइन के ऊपर थ वाला था, थे, थी, सब होता है, केवल भवेल आपको लगा देना है।
था को सिंपल ही लिख दीजिए, थे के लिए ए भवेल दे दीजिएगा, थी के लिए ई भवेल लगा दीजिएगा, बस स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है था थी पर स्वर लगाकर, थी और थे पर। और इसके बाद वाक्यांश, जैसे जब का नोटेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, और तक जोड़कर जब तक, ठीक, तब के नोटेशन में तक जोड़कर तब तक, अब तक, अभी तक, इस प्रकार से आप वाक्यांश को प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज अपना बना लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे व्यंजन र, ल, व के वैकल्पिक रूप। तब तक इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।